एक प्रोग्राम लिखना है जो कुछ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का अनुक्रम है उसको रीड करे। उसमें पहली बार एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना है जो ये रीड करेगा कि कितने सीक्वेंस में नंबर हम इनपुट में देंगे, और उसके बाद में एक लूप में एक स्कैनफ स्टेटमेंट डालना है जो एक बार में एक ही इंटीजर को रीड करता हो और हमने जो पहले नंबर दिया था उतने इंटीजर रीड करे। जैसे इनपुट में हम देते हैं 500, 200, 300, 400, 500, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रहे हैं इस सीक्वेंस में, और बाद में वो पांचों नंबर लिख दिए तो हम वो 5 नंबर्स दे रहे हैं। ये प्रोग्राम होगा जिसमें हमने डिक्लेयर किया है एन, नम, आई एंड सम को। सम को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अच्छा, उस सीक्वेंस के इंटीजर्स को सम भी करना है, उनको समेशन करना है, वो जो नंबर रीड किए उनका सबका एडिशन करना है और बाद में प्रिंट करना है जो भी एडिशन आ रहा है। इसे सम को इनिशियलाइज किया है 0 से, बाद में नंबर जो नंबर ऑफ वैल्यूज इस सीक्वेंस में वो रीड किया, जिसको एन को असाइन होगी वो वैल्यू, मतलब एन को रीड कर लिया। बाद में लूप लगाया जो आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन के लिए चलेगा। बाद में स्कैन कर लिया, मतलब जो भी नंबर सीक्वेंस के उनको रीड कर रहे हैं और रीड करके सम में ऐड कर रहे हैं, फाइनली सम को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है जिसमें एन सम नम आई को प्रिंट की डिक्लेयर किया, सम को इनिशियलाइज किया, एन को रीड किया, फिर फॉर लूप स्टार्ट किया आई इक्वल टू 0 से, और फिर कंडीशन लगा दी, इंक्रीमेंट लगा लिख दिया। बाद में जो भी नंबर्स हैं सीक्वेंस के उनको रीड कर रहे हैं, सम में ऐड किया और फिर उनको प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, फाइव इनपुट में दिया, 100, 200, 300, 400, 500 और इनका समेशन 1500, 1500। दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ मैं 10 इनपुट में देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सही आ रहा है। फिर से करते हैं, 4 इनपुट में देता हूँ, 120, 211, 13, 123, 33। एडिशन, इन चारों नंबर्स का एडिशन 487 आ रहा है, मतलब प्रोग्राम सही है। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स द एवरेज ऑफ सेवरल इंटीजर्स। अज्यूम द लास्ट वैल्यू रीड्स विद स्कैन एफ इज द सेंटिनल 999। A typical input sequence might be this, indicating that the average of all the values preceding 999 is to be calculated. एक इस प्रोग्राम लिखना है जो काउंटर कंट्रोल्ड नहीं है, सेंटिनल कंट्रोल्ड है, फॉर लूप या वाइल लूप जो भी लिखना है, और उसमें हम एक नंबर को रीड करेंगे, सीक्वेंस के नंबर को रीड करेंगे। यदि वो नंबर 9999 नहीं है तब तक वो रीड करता रहे और जो भी नंबर है उनका एवरेज कैलकुलेट कर दे। तो इसके लिए हम ये प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें नम आई सम और एवरेज को पहले डिक्लेयर किया, सम को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर लूप लगा दिया फॉर लूप जिसमें आई इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग किया, कंडीशन नम इज नॉट इक्वल टू 999 लगा दिया और इंक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल आई को इंक्रीमेंट में लगा दिया, सम में नम को ऐड कर दिया, फिर नम को फिर से रीड कर लिया। इस तरह से जब तक नम की वैल्यू 9999 नहीं मिलेगी तब तक ये रीड करता रहेगा और सम में ऐड करता रहेगा।
यहाँ काउंटर वेरिएबल ऑटोमेटिकली आई है, वो काउंटर वेरिएबल बन रहा है जो काउंट कर रहा है। फाइनली सम में आई का भाग दे दिया और हमें एवरेज मिल गया। एग्जाम्पल देखें तो ये प्रोग्राम है, उसको दोबारा लिख लिया है, इंट नम सम, इनको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सम को इनिशियलाइज कर दिया, नम को रीड कर लिया, फॉर स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया जिसमें आई को इनिशियलाइज कर दिया, नम पे सेंटिनल वैल्यू से कंडीशन लगा दी, इंक्रीमेंट कर दिया, सम में नम को ऐड कर दिया, फिर नम को फिर से स्कैन कर लिया, आगे एवरेज इक्वल टू सम अपॉन आई कर लिया और एवरेज को प्रिंट कर दिया। कंपाइल एंड रन करके देखें, रन करें, कुछ वैल्यूज देते हैं, 1, 2, 10, 9, 9, 9, 9। टेन टू वन ये हो गए, 13, 13 में 3 का भाग देने पर 4 पॉइंट समथिंग आता है। हमने इंटीजर के रूप में लिया है तो ये इंटीजर वैल्यू 4 आ गया। हमें जो वैल्यूज दी गई थी वो देखकर देखते हैं जो इनपुट में, तो हमें 10, 8, 11, 7, 9, 9, 9, 9, 9 इन वैल्यूज का, जो 5 वैल्यूज दी गई हैं उनका सम 45 आ रहा है। 5 वैल्यूज हैं, 45 में 9 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर 9 आता है जो उसका एवरेज है। ये सब इंटीजर्स हैं इसलिए आउटपुट इंटीजर में आ रहा है। हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट। आगे जो कुछ लिखे हैं इनमें सबसे छोटे को छांटना है, मतलब स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट करना है। मतलब मैं कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं या कुछ नंबर दिए गए हैं, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमें छांटनी है। हम रीड करेंगे इंटीजर्स को और सबसे छोटी संख्या को छांटेंगे। इसके लिए हम पहले डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स, आई एन नम सम लिस्ट। आई एक काउंटर वेरिएबल है जो लूप पे काउंटिंग का काम करेगा। एन भी एक काउंटर वेरिएबल है, एक एन कंडीशनल वेरिएबल है कि कितने सीक्वेंस में कितने नंबर हैं वो बताएगा। और नम सीक्वेंस के नंबर्स को रीड करने के लिए एक वेरिएबल लिया, स्मॉलेस्ट जो उनमें सबसे छोटा है वो हम मान रहे हैं, और सबसे छोटा मान रहे हैं उसको इनिशियली एक बड़ी संख्या दे देते हैं जिससे हम कंपेरिजन कर सकें। एन को रीड किया, मतलब सीक्वेंस में कितने वैल्यूज हैं वो उसको रीड किया, फिर लूप स्टार्ट किया, लूप में इंडिविजुअल नंबर्स को रीड किया, उनको कंपेयर किया, यदि वो नंबर सम से स्मॉलेस्ट से बड़ा है, स्मॉलेस्ट से छोटा है, मतलब स्मॉलेस्ट उस नंबर से बड़ा है तो स्मॉलेस्ट को वो वैल्यू असाइन हो जाए, और एंड में स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को चेक करके देखें, तो ये प्रोग्राम है जिसको दोबारा लिख लिया, आई नम स्मॉलेस्ट को डिक्लेयर किया, स्मॉलेस्ट को कोई बड़ी वैल्यू असाइन कर दी, एन को रीड किया, फॉर लूप स्टार्ट किया, उसमें नम को रीड किया, फिर कंडीशन स्मॉलेस्ट यदि नम से बड़ा है तो स्मॉलेस्ट को नम असाइन हो जाए, और उसके बाद में स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दिया। कंपाइल कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज जैसे 10 नंबर ऑफ वैल्यूज दे दी। अब कुछ इंटीजर्स देते हैं, 20, 30, 45,
50, 66, 7, 8, 10. तो इन नंबर्स में 5 सबसे छोटा है, इसने काउंट किया, कैलकुलेट किया और 5 को प्रिंट कर दिया। हम और नंबर देके देख सकते हैं, ये 5 इनपुट में दिया, 5 इंटीजर्स देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 1 प्रिंट कर दिया। हम फिर से देख के देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, फिर भी 1 प्रिंट कर दिया। हम किसी और ऑर्डर में देख के देखें तो 5 इंटीजर्स 12, 13, 7, 15, 16, तो 7 को प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम लिखना है जो इवन इंटीजर्स हैं 2 to 30, उनका समेशन कर दे, उनको ऐड कर दे। तो प्रोग्राम हम लिखेंगे, एक लूप डिक्लेयर किया आई और सम को, सम को इनिशियलाइज किया, लूप काउंटर वेरिएबल आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया, लेस देन 30, आई प्लस इक्वल टू 2 तक चला, सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब सम में आई को ऐड कर दिया और बाद में सम को प्रिंट करते जा रहे हैं, लास्ट में टोटल कितना होता है वो प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो ये प्रोग्राम है जिसमें कमेंट लिखा, इंक्लूड किया, आई और सम को डिक्लेयर किया, सम को इनिशियलाइज किया, लूप लगाया, 2 से स्टार्ट होता है, 30 तक जाता है, 2 का इंक्रीमेंट है, सम प्लस इक्वल टू आई लिखा, सम आई और सम को प्रिंट किया, सम को प्रिंट कर दिया। कंपाइल किया, रन किया तो इसने 2, बाद में 4 ऐड करने पर 6 हो जाता है, 6 ऐड करने पर 12 हो जाता है, 8 ऐड करने पर 20 हो जाता है, 10 ऐड करने पर 30, 12 ऐड करने पर 42, 14 ऐड करने पर 56, 16 ऐड करने पर 72 एंड सो ऑन, 30 तक ऐड करने पर 240 हो जाता है। इसने पूरा प्रिंट कर दिया। एक प्रोग्राम लिखना है जो 1 से 15 तक के जो इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं, विषम संख्या हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको गुणा करके प्रिंट करें। तो ये प्रोग्राम है जिसमें आई और प्रोडक्ट को डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट को इनिशियली 1 असाइन किया, बाद में फॉर लूप लगाया जो आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन इक्वल टू 15 तक जाता है और प्लस 2 का इंक्रीमेंट करता है, प्रोडक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और बाद में आई और प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया, लास्ट में प्रोडक्ट को फाइनली फिर से प्रिंट कर दिया। एग्जांपल लेके देखें तो ये एग्जांपल है जिसमें आई और प्रोडक्ट को डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 किया, आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया फॉर लूप में, कंडीशन प्लेस देन 15 की लगा दी, 2 का इंक्रीमेंट कर दिया, प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू आई कर दिया, मतलब प्रोडक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई और प्रोडक्ट को प्रिंट कर दिया, फाइनली प्रोडक्ट क्या आता है उसको प्रिंट कर दिया। कंपाइल और रन करके देखें, कंपाइल हो गया, रन किया तो ये प्रोडक्ट 1 नंबर का 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाता है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाता है, 7 से मल्टीप्लाई करने पर 105 आ जाता है एंड सो ऑन, सब का मल्टीप्लिकेशन 2027025 आ जाता है।